नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, काफी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, वे परेशान हैं टोने टोटको से। टोने टोटके जो वो लिखते हैं कि हमारे घर पर करवा दिए गए हैं बहुत बुरी तरीके से, जिससे हम बर्बाद हो गए हैं। हमारे घर में परछाइयाँ दिखाई देती हैं, हमारे घर में कुछ ऐसी आत्माएं घूमती हैं जो हमारा कोई भी काम सफल नहीं होने देती हैं। कुछ एक लोगों को दोस्तों वास्तु दोष का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है कि घर में किस दिशा में किचन होना चाहिए, किस दिशा में बैठक होनी चाहिए, किस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, पूजा घर यहाँ है तो सही है, नहीं है, दिस और देट, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो हर चीज़ का एक अलग उपाय है। वास्तु दोष दूर करने का, घर के टोने टोटके पिशाच इन लोगों को भगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं, लेकिन मैं आपको जो उपाय बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही साधारण है, बहुत साधारण है और कर लेने के लायक है। इस उपाय को आप करके देखें दोस्तों। आपके घर में ऊपरी हवा यदि आपको परेशान करती है, आपके घर के बच्चों को परेशान करती है, महिलाओं को परेशान करती है, तो भी आपको इसमें राहत हो जाएगी। और किसी भी तरीके का वास्तु दोष यदि आपके घर में है, आप परेशान हो रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि इस दिशा में आपके घर में ये चीज़ होने की वजह से आपको वास्तु दोष परेशान कर रहा है, तो ये उपाय करने से दोस्तों इसमें भी आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। वैसे दोस्तों, वास्तु दोष के लिए मैं आपको बता दूँ कि हमेशा आप अपने घर में उत्तर दिशा में पानी की एक सुराही भर करके रखें, पानी उसमें हमेशा भर के रखें, एक सुराही में उत्तर दिशा में पानी भर करके रखें। और आप अपने घर में बैठक में जो आपका मेन एंट्रेंस हो उसके बिल्कुल बराबर सामने वास्तु पुरुष की, वास्तु देव की आप एक मूर्ति प्रतिमा अवश्य ही स्थापित कर दें। आप अपने घर की उत्तर दिशा में एक आंकड़े का पौधा भी लगा दें। वास्तु दोष में आपको काफ़ी शांति मिल जाएगी। कैसा भी वास्तु दोष होगा दोस्तों, आपको परेशान नहीं करेगा। और दोस्तों, आपको लाना है अष्टगंध। जो आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो है अष्टगंध। ढेरों में वीडियोस डालती हूँ जिसमें आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करें, जैसे कि अभी मैंने आत्मरत्न वगैरह की भी जो वीडियो डाली है सफ़ेद पत्थर की, तो आप एक बार दोस्तों आप गूगल पर जाएं और बोलें कि मुझे सफ़ेद पत्थर या आत्मरत्न दिखाएं, वो चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी, फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टोन से वे आपको स्टोन की दुकानों में आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अष्टगंध आपको वहाँ मिल जाएगा जहाँ पूजा पाठ का सामान बिकता है, जहाँ भी पूजा पाठ का सामान बिकता है वहाँ आपको अष्टगंध अवश्य ही मिल जाएगा। तो आप अपने घर में अष्टगंध अवश्य ही रखें, और उन कमरों में तो अवश्य ही रखें जहाँ आपको ऊपरी हवा के होने की संभावना महसूस होती है, या जो कमरा, जो जगह वास्तु दोष के मुताबिक सही आपको नहीं बताया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि ये होने से आपके घर में वास्तु दोष तकलीफ दे रहा है आपको, तो दोस्तों वहाँ पर आप अवश्य ही अष्टगंध रखें। उन कमरों में तो आप अवश्य अष्टगंध रखें, उन दिशाओं में आप अष्टगंध रख दें जिन दिशाओं से आपको परेशानी हो रही है। और पूजा के समय जब भी आप पूजा करते हैं, छोटी सी छोटा सा हवन जैसा, जैसे गाय का उपला हो उसे आप जला लें, और जला करके आप उसमें थोड़ा सा अष्टगंध अवश्य ही डालें, और शाम के समय आप इसकी धुनी घर में दे दें, थोड़ा सा धूप आप लगा दें, दोस्तों आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष होगा दूर हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों, यदि शक्य हो तो कपूर की गोटी भी आप अपने घर में अवश्य ही रखें। सोने से पहले हमेशा कपूर की गोटी के ऊपर दो साबुत लौंग रख करके आप जला दें, और पूरे घर में उसे घुमा दें, घुमा करके आप उसे फिर से पूजा स्थान में रख दें। रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपरी बाधाएं आपका घर छोड़कर भागने लगेंगी,
अष्टगंध जहाँ भी रखा होता है दोस्तों, वहाँ कोई भी ऊपरी बाधा रहती नहीं है। प्लस वास्तु दोष में भी आपको जबरदस्त राहत देखने के लिए मिलेगी। कैसा भी वास्तु दोष होगा दोस्तों, दूर हो जाएगा। सिर्फ आप इस चीज़ को अपने घर में रखें, करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो जानकारी है उसे शेयर अवश्य ही करें। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।